देखिए, हम लोगों ने हमेशा की तरह इस बार भी एक संयुक्त आदेश जारी किया है, जिसमें अलग अलग सेंसिटिव प्लेसेस पर हम लोगों ने मजिस्ट्रेट और पुलिस की डिप्यूटेशन की है। गश्ती में ज़्यादा संख्या में इस बार फोर्सेस रखे गए हैं, ताकि मोबाइल रहकर वो किसी भी इंसिडेंस को रोक सकें। अलग अलग शहर के क्षेत्र में जो पूरा एरिया है, उसमें 3-4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसमें अगर कोई किसी प्रकार की अनहोनी या कोई इस तरह की शिकायत मिलती है तो उसको तत्काल प्रभाव से रोका जा सके। बाकी हम लोग प्रिकॉशनरी जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है CRPC के तहत, वो कर रहे हैं। पीस कमेटी की मीटिंग्स की जा रही हैं। समाज के सभी लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि आपसी सौहार्द कायम रखते हुए होली और जो भी आगे का त्यौहार आने वाला है उसको सेलिब्रेट। देखिए, जो ब्रीफिंग हुई है और जो आगे भी फर्दर होगी, उसमें सभी तरह के इशूज़ को कवर किया गया है, चाहे वो बाइकर्स गैंग हो या कोई सरचार्ज माहौल बनाने का प्रयास हो या वुमेन सेफ्टी का हो। तो हम लोगों का जो गश्ती पार्टी है, पेट्रोलिंग पार्टी है, और सारे एरियाज़ में CEOs और BDOs का जो रोल रहेगा, उन्हीं को पर्टिकुलरली कवर करने के लिए और उन्हीं को रोकने के लिए रहेगा जो इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। CA NRC को लेकर विरोध या समर्थन में सभाएं हो रही हैं, वो तो अपनी अलग जगह पर है। होली के मद्देनज़र हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको इस मुद्दे से भिन्न रखा जाए, उसको इससे न जोड़ा जाए। बाकी हम लोगों का प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रिकॉशन दें, ताकि हम इसको कम्युनली सेंसिटिव या किसी एक मुद्दे तक भड़काने तक हम लोग इसको सीमित में रख पाएँ। होली एक सौहार्द का त्यौहार है, तो हम लोगों का प्रयास यही है कि सभी समाज के सभी वर्ग उसको मिलजुल कर मनाएं, सुरक्षा के साथ मनाएं।